Assalamualaikum, welcome to GFX Mentor. मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ Ask GFX Mentor episode number 3, यानी आपके सवालात और मेरे जवाबात। सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो है बहुत ज्यादा किया जाने वाला था मोहन कुमार और इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसी तरह के कुछ सवाल किए हैं। सवाल है कि जी क्या सर हमको भूल गए हैं क्या? यार नहीं भूला आप लोगों को, ये पहला सवाल मैंने इसीलिए रखा है कि रीज़न मैं बता दूं कि मैं इतने दिनों से क्यों गायब था। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि कुछ अर्सा पहले मेरे फादर गुजर गए थे, यानी उनका इंतकाल हो गया था। दैट वॉज 18th of February एंड उसके कुछ ही अरसे के बाद मतलब 3 अप्रैल को यानी 3 अप्रैल को मेरे भाई का इंतकाल हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा झटका था हमारी पूरी फैमिली के लिए और मैं ये नहीं कहूँगा ख़ासकर मेरे लिए, सबके लिए था। एंड यानी ऐसा बंदा जो जिगर था और सारी फैमिली को जोड़ के रखने वाला इंसान, बेहतरीन भाई जो आज हमें नहीं रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहा मैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई डेफिनेटली, एंड जिसकी वजह से चैनल की तरफ यार सॉरी मैं आप लोगों के पास नहीं आ सका। अब मेरी कोशिश है कि मैं वाकई टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। दुआ कीजिएगा कि यार मैं वाकई टाइम पर आ जाऊँ क्योंकि अभी भी मैं प्रॉपरली अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ पाया हूँ। ठीक है, ऑलराइट, एंड आई होप आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं भूला हूँ, ना ही भूलूँगा, जब तक हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक था ये। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा किया जाने वाला है। मैंने एक उदय बी वर्मन का ये सवाल है, सर कॉरल ड्रॉ और एडोबी इलस्ट्रेटर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल वैसे जैसे एक टोयोटा करोला और एक होंडा सिविक में डिफरेंस है, राइट? दोनों गाड़ियां हैं, टोयोटा का अपना एक तरीका है, होंडा का अपना एक तरीके कार है। किसी को टोयोटा अच्छी लगती है, किसी को होंडा अच्छी लगती है, उसी तरह से इलस्ट्रेटर एडोबी की प्रोडक्ट है। कॉरल ड्रॉ एक्चुअली ड्रॉ नाम है उस सॉफ्टवेयर का और ये कॉरल कंपनी का है, राइट? जाहिर है दोनों का तरीके कार डिफरेंट है लेकिन काम दोनों का सिमिलर है। ग्लोबली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इस वक्त इलस्ट्रेटर है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना अर्सा मैंने फ्रीलांस किया है मुझे कभी किसी वेस्टर्न क्लाइंट ने कॉरल ड्रॉ की फाइल नहीं मांगी। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा पाकिस्तान में इतना मैंने नहीं देखा, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक इलस्ट्रेटर पर शिफ्ट हो चुके हैं लोग। कॉरल ड्रॉ की डिमांड जो है ज़्यादा इंडिया में है, आई डोंट नो व्हाई, बट है तो है, अब क्या कर सकते हैं। मुझे कॉरल ड्रॉ नहीं आता इसलिए मैं कॉरल ड्रॉ की ट्रेनिंग अभी तक के नहीं बनाई है, ना ही आगे कोई प्लान है। मुझे नहीं आइडिया कि मैं करा पाऊंगा या नहीं, बिकॉज थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ाने वाला देखें लेवल एक अलग होता है। मुझसे कई सारे लोग कहते हैं कि सर आप 3D Max या माया, भाई वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। एंड इस तरह से जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं डेफिनेटली वो सब आपके लिए हैं, वो मैं सब आपको करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा ये एक सवाल बड़ा मज़ेदार सा होता है, ये अहमर अली हैं। भाई मेरे पास इलस्ट्रेटर CS5 और उसमें तो कॉर्नर राउंड करने का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैंने व्यू स्टाइलाइज राउंड कॉर्नर किया मगर वो शेप ही आउट कर रहा है, इसके अलावा कोई सलूशन? यस भाई, सलूशन ये है कि आप अपग्रेड कर लो, इलस्ट्रेटर CC में आ जाओ। CS5 बहुत पुराना वर्जन है, प्लीज़ अब आप लोग सबसे मैं कहूँगा कि CS5 CS6 से बाहर निकलें, अपग्रेड करें, CC के वर्जन इंस्टॉल कर लें, राइट? सर जी आपके कीबोर्ड की कीज़ शो करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं प्लीज़ बता दें? बाबा फरीद प्रेस। अच्छा ये बाबा फरीद प्रेस, भाई मैंने तकरीबन कोई 100 मरतबा ये बताया है, QiPress के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है। फ्री वाले में कुछ फीचर्स कम हैं, पेड वाला बिला वजह का महंगा है,
सो फ्री वाला ही चला लें, कोई मसला नहीं, मैं भी फ्री वर्जन चला रहा हूँ। एंड क्यू आई प्रेस नाम मैं नीचे दे दूंगा, देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, आपकी क्लास मुझे बहुत हेल्प मिलती है, आपका अकाउंट मुझे एफबी पर नहीं मिल रहा, सो आप अपनी एफबी का लिंक भेज सकते हो क्या, मुझे मेरा वर्क आपको दिखाना है। ऑलराइट, सो बेसिकली कोमल कदम, कोमल आपका जो सवाल जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आप मुझे अपना काम दिखाना चाह रही हैं, उसमें मेरी आईडी की ज़रूरत नहीं है आपको, एंड आप सिंपली हमारा GFXMentor कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप अपलोड करें, बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी हैं। कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जो जो अपना काम शेयर करना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा कम आता हूँ उस ग्रुप पर, लेकिन मैं आता हूँ ज़रूर, मेरी नज़रों से आपका काम ज़रूर गुजरेगा, जब कोई बहुत अच्छा काम आता है मैं डेफिनेटली वहाँ पर आके तारीफ करके जाता हूँ, ठीक है। हर एक को मैं कमेंट्स नहीं दे पाता, ये आप लोग को भी समझना चाहिए कि जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो एक बंदा हर एक को नहीं देख सकता, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राय असदुल्ला खरल, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक डिज़ाइनर, सर मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने पूछना था कि उर्दू राइटिंग को इलस्ट्रेटर में कैसे यूज़ किया जाता है। यार उर्दू के लिए एक छोटी सी वीडियो मेरी है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि सर CS6 में हम उर्दू टाइप करने के लिए क्या करें, तो नहीं करें, प्लीज़ नहीं करें, बिकॉज CS6 में ऑप्शन नहीं है, ये CC 2017 और 18 में है ऑप्शन इंडिक का, जो उस वीडियो में बताया गया है। सवाल फिर से ये किया था कि सर CS6 में करना हो तो क्या करें, कुछ ना करें, आप अपग्रेड करें, प्लीज़ CC पर आ जाएं। अच्छा, स्टूडियो रॉक का सवाल है, सर ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, ऐसा एक अजीब सा ये सवाल है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। मैं इस वक्त लीडिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 18 सालों से फ्रीलांस कर रहा हूं, मैं 4-5 साल एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, मीडिया की फील्ड जितनी भी है, लाइक डिज़ाइनिंग की या फिल्म मेकिंग की, इनमें एक हद तक यस एडवर्टाइजिंग में बहुत हद तक मानते हैं कि जी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इन दी एंड आपका काम सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको सर्टिफिकेट ना होते हुए भी रख लिया जाएगा, और अगर आपका काम अच्छा नहीं है और आपके पास बहुत अच्छी जगह का सर्टिफिकेट है तब भी आपको रख तो लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है एक महीने में निकाल भी दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपका काम ज़्यादा अच्छा हो, सर्टिफिकेट की परवाह नहीं करो अभी, अगर हाँ सर्टिफिकेट ले सकते हो तो ले लो, बिकॉज देखें अगर एक ही वैकेंसी पर दो लोग अप्लाई करते हैं, दोनों का टैलेंट इक्वल है, दोनों के स्किल्स इक्वल हैं, एक के पास सर्टिफिकेट है और एक के पास नहीं है, तो प्रायोरिटी हमेशा सर्टिफिकेट वाले को दी जाएगी। बस ये एक छोटी सी बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर्टिफिकेट या डिग्री जो है वो एक तरह का आपका वीज़ा है, आप जैसे किसी मुल्क जाने के लिए आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई क्राइम किया तो फौरन ही डिपोर्ट भी कर दिए जाएंगे, राइट। ठीक उसी तरह से डिग्री या सर्टिफिकेट आपका जॉब के लिए एक वीज़ा है, आप जॉब के लिए एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर रहते हैं, ग्रो करते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई वॉन्ट टू लर्न HTML5 एंड CSS3 विद यू, प्लीज सेंड मी द लिंक ऑफ If you have, well, to be very honest, HTML और CSS अगर मुझे आता होता तो GFXMentor.com कब की बन चुकी होती, मुझे नहीं आता यार, and मैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग में नहीं हूँ, किसी ज़माने में प्रोग्रामर था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे अपने भी काम नहीं होते, मैं क्लाइंट्स के भी काम नहीं करता, मैं बिल्कुल भी, सॉरी भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे HTML, CSS के अलावा एक और चीज़ है 3D Studio Max, बहुत पहले मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, अब बिल्कुल भी नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता भाई वो, ठीक है यार। ये एक सवाल जो है ना मार देता है,
सर एक्सपर्ट लेवल फोटोशॉप के ट्यूटोरियल कब होंगे अपलोड? हमजा अकबर, भैया मसला ये है कि ये मुझे पहले आप लोग डिफाइन करें एक्सपर्ट लेवल है क्या। अगर आप ये समझते हैं कि स्किन को रीटच करना एक्सपर्ट लेवल है तो नहीं भाई। एक्सपर्ट लेवल ये होता है कि आप एक एक टूल को डिटेल में जानते हों, तो भैया जो मैं करवा रहा हूँ कसम से वही एक्सपर्ट लेवल है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला, यही एक्सपर्ट लेवल है। ये छोटे छोटे से टूल सीख करके आप बड़ी चीज़ें करने के काबिल हो जाएंगे। सो जिसको ये लग रहा है कि ये एक्सपर्ट लेवल नहीं है या एडवांस लेवल नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है कि यार मजीद और क्या चाहिए। मतलब फोटोशॉप के अंदर मैं बिरयानी नहीं बना सकता, सही है। फोटोशॉप के टूल्स पहले समझ लो, उसके बाद उनको कंबाइन करके हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे। सो अभी रिसेंटली मैंने जैसे कलर बैलेंस किया था, कलर बैलेंस वाली जो लास्ट मेरी क्लास थी उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से हम आसमान और लैंड के कलर्स को मैच कर रहे हैं। सी ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब तक समझ में आपको नहीं आएंगी आप एक्सपर्ट लेवल पे जा ही नहीं सकते हो। और अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो भाई अच्छी बात है, आप भी पढ़ाना शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूँ आप भी नया चैनल शुरू करो, डेफिनेटली आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो मैं खुद आपको शाउट आउट दूंगा आपके चैनल, ठीक है। बाय द वे मेरे नाम से मत रखना, एक साहब ने रख दिया था तो उसका चैनल बंद हो गया। प्लीज़ मेरा नाम और मेरा लोगो और मेरा इंट्रो वो मेरा ही है, मेरा ही रहने देना प्लीज़। हमजा ये बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये सबसे कह रहा हूँ, ठीक है। हमजा अकबर का ये सवाल था एक्सपर्ट लेवल वाला। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है साद अमानुल्ला, ये इन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था और ये बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। वैसे है तो पाकिस्तान से रिलेटेड लेकिन मैं इसको ग्लोबली कहूँगा। सवाल ये है कि सलाम GFX मेंटोर टीम, एक बात पहले बात तो भाई टीम नहीं है, मैं अकेला तन्हा सब कुछ खुद कर रहा होता हूँ। फेसबुक का जो पेज है वो इसलिए है कि मेरी वीडियोस को मैं प्रमोट वहाँ से कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ भाई। अगर मैं कभी आप लोगों को जवाब दूंगा तो यकीन कर लिया करो कि मैं हूँ। मुझे कई सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं यकीन नहीं आ रहा कि आप हैं, भाई मैं ही हूँ क्योंकि मेरी टीम में कोई और नहीं है, राइट। खैर सवाल इनका ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर और मल्टीमीडिया का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, और अगर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर या मल्टीमीडिया में कोई फील्ड चूज़ करनी पड़े तो कौन सी बेस्ट फील्ड रहेगी? और मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन सब यही बोलते हैं कि इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, प्लीज़ गाइड कर दें या फिर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दें, थैंक यू। साद बहुत एक्सीलेंट सवाल है, लिटरली ये सवाल मैं यही कहूँगा कि ये ग्लोबल मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, दुनिया में जहाँ पर जाएं सब जगह ये एक मसला है कि यार डिज़ाइनिंग सीखें या प्रोग्रामिंग सीखें, भाई आपका जो दिल चाह रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो वो सीखो। दुनिया क्या बोलती है कि यार अगर कोई आपसे ये कह रहा है ना भाई इस फील्ड में कुछ नहीं रखा, तो हो सकता है उनके लिए कुछ नहीं रखा बिकॉज उनको नहीं आता है, राइट। मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मैंने पढ़ी है प्रोग्रामिंग लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैं बहुत मिड लेवल का काम कर रहा था, बोरिंग किस्म का काम, यानी मुझसे बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग बैठे हुए थे, दैट मींस कि वो लोग का इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए प्रोग्रामिंग सीख के बैठ गया था कि मेरे चार दोस्त और सीखने गए थे तो मैं अपने दोस्तों को देख देख कर मैंने भी जाके प्रोग्रामिंग सीख ली थी। ये बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, 1992 से 1994 तक मैंने प्रोग्रामिंग सीखी। लिटरली मुझे सी लैंग्वेज भी आती थी, उस वक्त एक फॉक्स प्रो वगैरह होती थी वो सीखा था। बहरहाल उस वक्त की जितनी चीज़ें सीखी थी वो आज नहीं है, टर्बो सी थी, आज सी शार्प वगैरह बहुत कुछ डिफरेंट हो चुका है। बट ये एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि मैंने अपना करियर उसमें बनाया जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था। ठीक उसी तरह से अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है ना तो आप म्यूजिशियन बन सकते हो। इसलिए नहीं बनना म्यूजिशियन कि यार बहुत ग्लैमर है, बहुत अच्छा लगता है, बजाना कुछ आता नहीं है, वरना फिर बड़े अजीब से डिंचिक किस्म के आपके गाने होंगे। तो कहने का मकसद ये कि भैया आपका जो शौक़ है वो चीज़ आपने करनी है। अगर आपका शौक़ भैया ग्राफिक्स में है तो उसमें जाओ और बेधड़क जाओ और डेफिनेटली आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। ऑलराइट,
यार ये एक सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग सा है और ये दो तीन लोगों ने मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे होते हैं। यूजुअली फेसबुक का जो मेरा पेज है GFXMentor का, वहां पर ये सवाल आ रहा होता है, कैन आई लर्न मोर अबाउट अ सर्विस, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर एंड सो ऑन। सो एक और सवाल आता है, वेयर आर यू लोकेटेड, वेयर आर यू लोकेटेड, भाई कराची पाकिस्तान कई मरतबा बता चुका हूँ, एंड व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर या कैन आई नो अबाउट अ सर्विस। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इसका जवाब क्या दूँ, कौन सी सर्विसेज भाई, मैं फ्री ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ, वीडियोज डाल रहा हूँ, आओ पढ़ो, हैप्पी हो जाओ, जाओ, मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। होते हैं बहुत सारे फेसबुक के पेजेस जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन, या नहीं मैं फ्रीलांस नहीं कर रहा हूँ इस पेज के थ्रू, मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज़ ये सवाल करने के मुझे कंफ्यूज ना किया करें, मैं वाकई कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं जवाब क्या दूँ, कौन सी सर्विस भाई, ठीक है। सो कोई सर्विसेज मैं प्रोवाइड नहीं करता, एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन, छोटा सा रखते हैं, आई डोंट नो कितना छोटा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल हों तो मैसेज मारें, कमेंट्स दें इसी के नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स दें। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हाँ थैंक्स अ लॉट, 30,000 सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थैंक यू, आप सबका प्यार है। मुझे जो है ना इस दीवार पर सिल्वर बटन देखना है यार, अब 1,00,000 करवा दो, जल्दी से 1,00,000 करवा दो प्लीज़ यार, थैंक यू।